बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकन अबदव यकन अस्ताइन। मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर बला से, हर वबा से, हर आजमाइश, हर दुख दर्द और हर तकलीफ़ से महफूज फरमाए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सब्जियों के पौधे जो कि मैंने 2 माह पहले लगाए थे और इनकी वीडियो भी आपसे शेयर की थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब्जियों के पौधे इतने बड़े हो चुके हैं और इन पर सब्जियाँ लगना शुरू हो गई हैं। ये देखिए व्यूवर्स, दुनिया माशाल्लाह कितनी बड़ी हो चुकी हैं। चलाइए इनको तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें मेरे घर की सब्जी, ये खाद से बिल्कुल पाक है और सेहत से भरपूर है। ये मैंने कद्दू लगाए थे, इन पे भी कद्दू आ गए हैं और ये देखें ये बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन ये अभी पकाने के लिए बहुत छोटे हैं। 3-4 दिन तक हम इन्हें छोड़ेंगे। और एक ये भी लगा हुआ है। ये टमाटर के पौधे हैं, इन पे टमाटर लग चुके हैं। इनको सुर्ख होने में 8-10 दिन लगेंगे। ये अभी ग्रीन ग्रीन है। ये घैया तोरी है, इन पर भी 3-4 घैया तोरी लग चुकी है। फूल पे लगे हैं, बाकी तोरियाँ लग जाएंगी। घर की तोरियाँ पकाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है कि बयान से बाहर है। आज के व्लॉग में मैंने सिर्फ आपको अपनी सब्जियों के पौधे दिखाने थे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब मैं जाके बनाती हूँ भिंडियाँ। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।